आज हम लोग क्या स्केल्टन टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। स्केल्टन टिश्यू ये जो टॉपिक है वो आपको 9th में भी और 11th में भी काम आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग आज देखते हैं विस्तार से स्केल्टन टिश्यू को, कंकाल ऊतक को देखते हैं। तो कंकाल ऊतक क्या है? तो हम जानते हैं कि हमारा कंकाल, कंकाल का मतलब स्केल्टन, स्केल्टन का मतलब हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करने वाला हिस्सा है ना। तो हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करने का काम किसका है? हड्डियों का है। और हड्डियों के साथ एक और चीज जुड़ा होता है, उपास्थि। ये दोनों मिलकर के हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करने का काम करते हैं, है ना। तो ये आकार देते हैं। तो हम देखेंगे आज क्या, तो उपास्थि और हड्डी है ना, बोन, कार्टिलेज और बोन दोनों की रचनाओं को हम लोग स्टडी करेंगे। तो दोनों के स्ट्रक्चर में क्या है ये देखना है। तो हम लोग जानते हैं कि शरीर को तथा अन्य ऊतकों को सहारा देने के काम का भी काम करता है, है ना, आकार देता है, सहारा देता है और उन्हें मजबूती के साथ जोड़े रखने का काम जो है ये कंकाल ऊतक का है, स्केल्टन टिश्यू का ये काम है, ठीक है। शरीर के अंदर प्रेजेंट जो होता है वो एंडोस्केल्टन बनाता है और शरीर को एक निश्चित आकार देगा। कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स जितने सारे हैं तो वर्टिब्रेट का खास लक्षण जो है वो है अस्थि और उपास्थि का प्रेजेंस, है ना, इन दोनों की उपस्थिति जो है उसका एक खास लक्षण है। तो सबसे पहले अस्थि को हम लोग, अब उपास्थि को हम लोग देखते हैं कि उपास्थि जो है वो कैसा होता है, क्या कुछ कर सकता है। तो कार्टिलेज, कार्टिलेजनस टिश्यू जो है यह सेल तंतु है ना, कोशिका, सेल है ना, और तंतु, फाइबर्स और क्या, आधार द्रव्य यानी कि मैट्रिक्स से मिलकर के बना हुआ होता है। तीन चीज है इसका कंपोजिशन, पहला तो सेल चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, फाइबर्स चाहिए, है ना, तीसरा क्या चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। तो खासतौर से हमको याद रखना है कि इन में, इनके बीच में सेल के अंदर अगर हम लोग स्टडी करेंगे, ये जो कंकाल ऊतक है इसके बीच में जो है वेसल्स का अभाव होता है, मतलब ब्लड सप्लाई नहीं के बराबर होता है। लेकिन उसके लिए भी अलग से व्यवस्था है, पेरिकॉन्ड्रियम है, हम लोग पढ़ेंगे पेरिकॉन्ड्रियम के बारे में। तो पेरिकॉन्ड्रियम जो है वहाँ ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, भोजन वगैरह पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारा जो बोन्स है वो क्या करेगा, हमारे आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करने का भी काम करता है। अब देखिए कार्टिलेज को, तो यह जो है इस, यह जिस सेल से बना होता है उसे क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट्स भी कहते हैं, है ना। तो ये कोशिका के चारों तरफ, यह कोशिका जो होता है इसके चारों तरफ जो होता है एक आवरण होता है। देखिए यहां पर आपको दिखाया गया है कॉन्ड्रियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोब्लास्ट के चारों तरफ एक आवरण है, इस आवरण को कहते हैं लैकुना, यह फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है। लैकुना क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, द्रव्य से भरा हुआ होता है और यही लैकुना। अब देखिए कि कुछ कार्टिलेजिनस फिश जो है ना, हम पढ़े हैं दो तरह के फिश होते हैं, बोनी फिश और क्या, कार्टिलेजिनस फिश। तो कार्टिलेजिनस फिश का बोन्स जो होता है, कंकाल जो होता है, स्केल्टन जो होता है वो किससे बना होता है, कार्टिलेज से ही बना होता है। और जितने सारे वर्टिब्रेट्स हैं, कशेरुकी जो है, हायर कशेरुकी के ट्रैकिया में है ना, ये जो नली है इसे ट्रैकिया कहते हैं, है ना। और क्या, ट्रैकिया को वायु नली हिंदी में कहते हैं। तो ट्रैकिया का निर्माण उसी से होता है। इसके अलावा हमारा वॉइस बॉक्स जो है उसी से बनता है, नाक, कान में प्रेजेंट होता है ना, ये सब हिस्से में ये प्रेजेंट होता है कार्टिलेजनस टिश्यू। अब देखें कि इसके मैट्रिक्स और फाइबर, किस तरह का फाइबर, दो तरह का फाइबर होता है, येलो और व्हाइट। तो इसके प्रेजेंस के आधार पर हम लोगों ने क्या किया है कि उपास्थि को चार प्रकार में बांट दिया गया है। उपास्थि को कितने प्रकार में, तो चार प्रकार में बांट दिया गया है। पहला है हाइलिन, है ना, प्रभासी उपास्थि कहते हैं। दूसरा है कैल्सिफाइड, हिंदी में भी लिखिए इंग्लिश में लिखिए कैल्सिफाइड। तीसरा है व्हाइट फाइबरस कार्टिलेजनस टिश्यू। चौथा है येलो फाइबरस कार्टिलेजनस टिश्यू। तो इसको पीत प्रतास्थि कहा जाता है, येलो फाइबरस को, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले येलो है ना, हाइलिन को देखेंगे। हाइलिन क्या है, तो यह अर्ध पारदर्शक होता है। इस तरह का उपास्थि कैसा होता है, अर्ध पारदर्शक होता है। इसके मैट्रिक्स में कोलाजन फाइबर पाया जाता है ना, मैट्रिक्स में क्या होता है, कोलाजन फाइबर पाया जाता है। और क्या, लैकुना
प्रेजेंट होता है ना, लैकुना में ही सेल इसका प्रेजेंट होता है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल जो है वो लैकुना के अंदर ही प्रेजेंट होगा और एक पट्टी के रूप में प्रेजेंट होता है। सेल्स जो होते हैं एक पट्टी के रूप में प्रेजेंट होते हैं और इसके चारों तरफ देख रहे हैं पट्टी के रूप में है ना, तो इस पट्टी को क्या कहते हैं पट्टी। एक बार लैकुना यह एक पट्टी के रूप में प्रेजेंट होता है, इसके चारों तरफ जो होता है एक खास तरह का झिल्ली मौजूद होता है जिसकी चर्चा भी किए थे है ना, उसे पेरिकॉन्ड्रियम पर्यूप्रास्थी कहा जाता है। पर्यूप्रास्थी कहा जाता है, पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। और यह पेरिकॉन्ड्रियम में क्या रहता है, वेसल्स प्रेजेंट रहता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है, इसके अलावा और कहीं भी ब्लड वेसल्स नहीं रहेगा। तो ये जो पट्टी बन रही है, यहाँ पर पट्टी को दिखाया गया है, नॉर्मल दिखाया गया, तो ये जो पट्टी बन रही है पट्टी में आपको क्या रहेगा, तो वेसल्स प्रेजेंट रहेगा ठीक है। उसके अलावा ये जो हमारा प्रभासी हाइलिन कार्टिलेज है वो कहाँ रहेगा, तो जितना सारा ज्वाइंट वाला प्लेस है ना, जहां पर दो हड्डी जुटते हैं, और आपका नोज है, स्वर यंत्र है, वॉइस बॉक्स है ना, लैरिंग्स जिसको कहते हैं, वायु नली का वलय, यानी कि ये जो हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर जानते हैं कि 20 कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं, तो वो कार्टिलेजिनस रिंग्स हाइलिन से बने होते हैं ना। और क्या स्टर्नम हमारा होता है, इस मेढक में हाइवाइड अपारेटस होता है, कंठिका में ये जिससे वो आवाज निकालता है खास तरह से है ना, ब्रोंकाई, ये सब जगहों पर ये प्रेजेंट होता है ठीक है। उसके अलावा उपास्थि कोशिका की रचना को हम लोग देखते हैं, ये वाला जो हमारा कॉन्ड्रियोब्लास्ट है इसको कार्टिलेजिनस सेल भी कहते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोसाइट्स, इतना सारा इसका नाम है। कैसा होता है, तो हमेशा लैकुना के अंदर होता है, इसका साइटोप्लाज्म सूक्ष्म कण को रखता है ना, और मतलब माइक्रो ग्रैनुल्स को हमारा साइटोप्लाज्म इसका रखता है ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके साइटोप्लाज्म में ही कुछ फैट ड्रॉपलेट वसा बूंद रहता है ना, और ग्लाइकोजन का ड्रॉप भी रहता है ना, ग्लाइकोजन का भी ड्रॉप रहता है ठीक है। ग्लाइकोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट जब एक्स्ट्रा होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में उसको स्टोर कर दिया जाता है हमारे शरीर में, तो वही ग्लाइकोजन है। इसके अलावा लैकुनी में सेल का एक समूह होता है, अभी हम दिखाएं कि लैकुना में सेल का समूह है, और प्रत्येक समूह एक क्या करता है, कोशिका विभाजन के बाद ही इसका निर्माण होता है, एक पट्टी बनाता है, और सेल का आकार जो होता है वो डी के आकार का होता है। किसका, लैकुना में जो सेल है उसके आकार कैसे होते हैं, डी के आकार के होते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अगर कंफ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि आपको आगे का वीडियो मिलता रहे है ना। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करेंगे। उसके अलावा हम लोग आगे पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ लिए है ना, ये सेल के बाद मैट्रिक्स है, आधार द्रव्य इसको कहते हैं, ग्राउंड सबस्टांस कहते हैं। कैसा होता है, होमोजिनस होता है, समान है ना, सभी देखने में इसमें जो मैट्रिक्स है फ्लूड है, तो ये फ्लूड मिला हुआ होता है, होमोजिनस होता है। इसमें क्या कुछ होता है, इसमें कॉन्ड्रोम्यूकॉइड्स होता है, कॉन्ड्रोम्यूकॉइड्स होता है, कॉन्ड्रोइटिन होता है केमिकल्स, और फिर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, गंधकाम्ल होता है, एल्बुमॉइड्स होता है, ये सब इसमें प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में ठीक है। ये आधार बेस का निर्माण करेगा जहां हमारे कॉन्ड्रोब्लास्ट मौजूद रहेंगे। उसके बाद है अगला हमारा, दूसरा, पहला तो हाइलिन था है ना, दूसरा कैल्सिफाइड वाला है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, यह कड़ा होता है, मैट्रिक्स में इसका कैल्सियम साल्ट प्रेजेंट होता है, कैल्सियम लवण मर्जेंट प्रेजेंट होता है। यह कहां देखने को मिलेगा, मेढक के सुपर स्कैपुला बोन्स और प्यूबिक बोन्स में यह पाया जाता है। उसके अलावा श्वेत तंतुमय उपास्थि को देखें तो मैट्रिक्स के लैकुना में सेल्स और कोलाजन फाइबर्स पाया जाता है। श्वेत तंतुमय में क्या होगा, कोलाजन फाइबर रहेगा, ये काफी मजबूत होता है, स्तनधारी के इंडोस्केल्टन के संधायक जोड़ने वाले स्थान पर ये मौजूद रहता है ना। उसके अलावा येलो इलास्टिन फाइबर्स है, तो यह मैट्रिक्स में पीले तंतु का जाल क्या करता है, तो मैट्रिक्स में पीले तंतु का जाल बनाता है ठीक है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कार्टिलेज में क्या होगा, मैट्रिक्स में येलो फाइबर्स का जाल रहेगा, और इसे क्या कहेंगे, इलास्टिन फाइबर रहता है। इलास्टिन का नेचर ही है, ये कैसा होता है, इलास्टिक नेचर का होता है, लचीला होता है, ड्यूरेबल होता है ना। तो यह कहाँ पाया जाएगा, हमारे बाह्य कर्ण में है ना, पिन्ना जिसे कहते हैं,
उसके बाद एपिग्लोटिस है ना, जो एपिग्लोटिस कॉमन ओपनिंग है, कॉमन ढक्कन है, फ्लैप है जो हमारे किसको गलेट और ग्लोटिस दोनों को ढकने का काम करता है। वॉइस बॉक्स वगैरह में भी ये प्रेजेंट रहता है ना। उसके अलावा यहाँ पर हाइलिन उपास्थि का, श्वेत तंतुमय उपास्थि का है ना, पीत प्रतास्थ उपास्थि का डायग्राम बनाया गया है, सबके सेल को दिखाया गया है, इसको आप नोट कर ले, कहीं दिक्कत हो तो हमें कॉमेंट जरूर करें। धन्यवाद।